इसमें स्टार्टिंग में आपको उसने ये बताया है, डिमोर फोरम के रिजल्ट के हेल्प से ही हमने वो प्रूव तो करना है। यहाँ पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आप बनेंगे या किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टार्टिंग में नोट जरूर कर लेना इसको। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको निकालना होगा एन नेथ रूट या क्यूब रूट या फिफ्थ रूट, है ना। एन नेथ रूट निकालना हो या एन नेथ ही बता दिया तो ये सफिशियंट है। एन नेथ जब बताया तो ये सफिशियंट है। एन नेथ रूट के अकॉर्डिंग ही हमने क्यूब रूट बना दिया या फिफ्थ रूट बना दिया या सेवंथ रूट बना दिया, इस टाइप से आपने क्या करना है। कोई नंबर होगा उसके आपने ये रूट निकालने हैं। जैसे आपको याद दिलाऊं, प्लस वन में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, एक्सटेंड हो गए। वहां आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे, याद हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि जो वन होता है उसके तीन रूट होते हैं एक्चुअल में। वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर नाम देते थे आप, जानो। वन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भी आपको पता है क्या थी, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको, और इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले ये जरूर नोट करो यहाँ पे, जो हेल्प करेंगे, कि आप जो वन होता है ना वन, उस वन को कोस और साइन की फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यानी कि आप ऐसे लिखेंगे, आपको पता है वन को मैं वन प्लस आईटा जीरो लिखूंगा। अब ये जो वन है और जो ये जीरो है, ये वैल्यू होंगी, तो वन तो होनी चाहिए कोस की वैल्यू और जीरो होनी चाहिए साइन की वैल्यू, ऐसा एंगल क्या है। तो वो कहता है कि इसको मैं लिखूंगा कोस ऑफ टू पाई वन को, और जीरो को लिखूंगा मैं साइन ऑफ टू पाई, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि उसने क्या बताया, जो वन था उस वन को आप वन प्लस जीरो आईटा लिखते हैं ना, बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या लिखा, इस वन को लिख दिया कोस टू पाई और उस जीरो को लिख दिया साइन टू पाई, दोनों एंगल आपके सेम रहे, वो दोनों एंगल सेम बना दिए। देखो आप पाई लेते तो ये गड़बड़ हो जाती, जो इसमें यूज होगी वो नेक्स्ट रिजल्ट। माइनस वन को आप लिखते हैं माइनस वन प्लस जीरो आईटा लिखते हैं। अब वन को कोस और जीरो को साइन की फॉर्म में कॉमन एंगल क्या है, वो है पाई। तो क्या लिखेंगे इसको, कोस पाई प्लस आयटा साइन पाई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, आयटा को क्या लिखेंगे, आयटा को लिखेंगे जीरो प्लस आयटा, मींस इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वन को, सॉरी, इस जीरो को वैल्यू देनी है कोस की फॉर्म में और इस वन को देनी है साइन की फॉर्म में, ऐसा एंगल क्या है। वो एंगल आपका है पाई बाय टू। तो मैंने लिखा जीरो को कोस पाई बाय टू और वन को लिखा साइन पाई बाय टू, ठीक है। तो ये बना दिए इसमें। सेम वे में जो फोर्थ रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो फोर्थ है माइनस आइटा। माइनस आइटा को सिंपली जीरो माइनस आइटा लिखेंगे, मीन्स जीरो प्लस ऑफ माइनस वन इंटू आइटा लिखेंगे। इस जीरो को क्या वैल्यू दूं कोस की और इसको क्या वैल्यू दूं साइन की, एंगल सेम रहे, ठीक। वो आपका है थ्री पाई बाय टू। तो ये एंगल लेंगे थ्री पाई बाय टू, कोस थ्री पाई बाय टू जीरो होता है और साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन होता है, ठीक है। ये तो ये वैल्यू आ गई, इनको नोट कर लें आप। ये आपके पास चार वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, वन आयटा माइनस आयटा और माइनस वन, ये चारों वैल्यूज कहाँ यूज होंगी, जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसी नंबर के एनथ रूट निकालेंगे या किसी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे या फिफ्थ रूट निकालेंगे या सेवंथ रूट निकालेंगे, जो मर्जी आपसे पूछता हूँ, ठीक है। अब दूसरा, आप इन सभी क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि सभी में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में जरूर बना के चलते हैं, कोस ऑफ एंगल प्लस आइटा साइन ऑफ एंगल, और एंगल दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं बताऊं किस टाइप से होंगी, इसको ध्यान से सुनना। आप जो अभी बता रहा हूं फिर दोबारा से, आपके पास कोई नंबर जो होगा आपको इतना पता चल गया वो कोस और साइन की फॉर्म में होगा, जैसे मान लिया वो कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में था। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है जो इनवर्स फॉर्म में है, जैसे मान लिया ऐसे है 1/n, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं nth रूट निकाल रहा हूं। इसका मीनिंग है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कौन है कॉम्प्लेक्स नंबर, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, nth रूट, क्योंकि पावर क्या है ऊपर देखो आप 1/n है। ठीक है, तो 1/n है तो इसका मीनिंग है nth रूट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कितने रूट आएंगे, कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी, एग्जैक्ट n आएंगी, क्योंकि आपको ध्यान हो मैं अभी बता रहा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे तो तीन ही तो रूट आते थे एग्जैक्ट तीन, उसके बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं उन्हीं में से कोई, जो डिफरेंट आते हैं वो टोटल तीन ही आते हैं। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं, पीछे आपने अलजेब्रा में पढ़ा था जितने डिग्री की इक्वेशन होगी एग्जैक्ट उतने ही रूट होंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इसमें यूं देखो रेसिप्रोकल में क्या है, 1/ में क्या है, 1/ में जो है उतने ही एग्जैक्ट रूट बनेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं ये है 1 रेज टू पावर, पावर है 1/5, इसका मीनिंग है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका मीनिंग है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, नोट जरूर करते रहना, बाकी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको ये फॉरवर्ड करेंगे दोबारा, इसका मीनिंग है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। -1 रेज टू पावर अगर मैं आपसे पूछूं 1/5 या 1/3, इसका मीनिंग है क्यूब रूट ऑफ -1, इसका मीनिंग क्या है क्यूब रूट ऑफ -1, इसका मीनिंग जो ये लिखा गया। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आइटा रेज टू पावर है कुछ मान लिया 1/8, तो इसका मीनिंग है एट्थ रूट ऑफ आइटा। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में बनी। चलो नेक्स्ट, ये देखो अब फिर देखना इसमें क्या बता रहा हूं मैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको आपने इतना जरूर कर लिया कि कोस और साइन की फॉर्म में लिख लिया। अब ये यहाँ पे मैं दो रिजल्ट बता रहा हूं, इसमें आपसे ये इस टाइप से अगर पूछता है तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है क्या अभी बताया nth रूट, इसका मीनिंग है nth रूट, इसका nth रूट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट, कौन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अंदर है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसका मीनिंग है ये। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर मान लिया p/n है, इसका भी मीनिंग पता है क्या है, इसका भी मीनिंग यही है कि हम इसमें भी nth रूट निकाल रहे हैं, nth रूट निकाल रहे हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का, लेकिन उसमें पावर कितनी ले रहे हैं, p, टेकिंग पावर p, ये जो p है ये वाला। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, 1/n है तो एग्जैक्ट n रूट होंगे, डिवाइड में देखना है, डिवाइड में जो होगा उतने ही एग्जैक्ट रूट होंगे, डिवाइड में चाहे कोई हो, यहाँ पे डिवाइड में n है तो इसका मीनिंग इसमें भी एग्जैक्ट n रूट बनेंगे, जिसके डिवाइड में जो बनेगा वो उसका एग्जैक्ट उतने ही रूट बनेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम आपको बताने से पहले कुछ और भी थोड़े से रिजल्ट बता दूं, रिमाइंड करवा दूं, वो रिजल्ट ये है जो कोस और साइन की फॉर्म में ही है। आप खुद बता सकते हैं मेरे को कोस ऑफ 2n π प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, और सेकंड साइन ऑफ 2n π प्लस थीटा किसके इक्वल होगा,
सभी को पता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए दोनों ही, और फर्स्ट में साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई का मल्टीपल वैसे है एंगल, तो ये चेंज होगा नहीं, सेम रहेगा, कोस है तो कोस, साइन है तो साइन। ये एन क्या है? ये एन है आपका इंटीजर, एन क्या है? इंटीजर है, ठीक है। जो एन है वो किसको डिनोट कर रहा है? इंटीजर को डिनोट कर रहा है। देखो अब इसमें आपको मैं वैल्यू बताऊं, इस टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इजी है। फर्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि सारी वैल्यू निकालनी है आपने इसकी, इस नंबर की, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ -1 raised to power 1/6। पहले इसका मीनिंग बताओ क्या है। इसका मीनिंग है कि आपसे पूछ रहा है सिक्स्थ रूट, क्योंकि बाय में है ना सिक्स, सिक्स रूट ऑफ, किसका सिक्स्थ रूट निकालना है आपने? सिक्स्थ रूट ऑफ -1। क्या निकालना है? सिक्स्थ रूट, यानी कि इसके एग्जैक्ट आपने फाइंड आउट करने के, छह के छह रूट आएंगे, यानी कि छह वैल्यूज आएंगी। टोटल कितनी वैल्यू आएंगी? सिक्स आएंगी, ठीक। याद नहीं रखना, लेकिन ये रिजल्ट बता दिया मैंने, डिवाइड में अभी बता था ना, एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू आएंगी, कैसे आएंगी वो, वैसे तो कई आती हैं, लेकिन जो डिफरेंट होंगी वो सारी टोटल छह ही मिलेंगी आपको। इसको निकालने के लिए देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ अज्यूम कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, जो आप +1 में भी जो बताते थे आपको, इसका मीनिंग है आपने ये मान लिया एक्स जो है सिक्स्थ रूट है, सिक्स्थ रूट ऑफ -1 है। इसका मीनिंग ये है जो आपने लिखा है यहाँ, ये देखो, ये तो एक मैथमेटिकल नोटेशन होगी, और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमने अज्यूम किया है एक्स जो है वो -1 का कौन सा रूट है? सिक्स्थ रूट है, ठीक। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अभी चार वैल्यू बताई आपको मैंने, ये अंदर देखो अंदर क्या है, क्योंकि इसको हमेशा आपके दिमाग में फिट कर लो। अभी ये जो अंदर है नंबर, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है कोस और साइन के फॉर्म में। आपको देखो यहाँ पे एक सेकंड रिजल्ट बता था, -1 को आपने क्या लिखा था? कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई, यही लिखूंगा मैं इसको, ठीक। तो क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट चलते हैं इस पे। तो हमने अभी अज्यूम किया था लेट एक्स इज इक्वल टू -1 raised to power 1/6, इसमें हमने -1 की जगह क्या रख दिया? कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई, जो एक अभी बता रहा हूँ, सभी इसी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुन लेना। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी अगर 1 -1 आइटा माइनस आइटा में से है तो चारों वैल्यू आपको मैंने पहले बता दी है। अगर कोई और दूसरा नंबर है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करना, मेथड तो वही है ये। चलो उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद ये दिखा करो कि इसके अंदर 1/6 है, मतलब डिवाइड में तो सिक्स है, ऊपर तो कुछ नहीं ना, यहाँ यहाँ तो 1 ही है। यहाँ पे अगर कुछ है पहले जो मैं अभी क्रॉस कर रहा, मान लिया इस 1 की जगह 2 होता, तो वो 2 पहले क्या करेंगे? डिमोर्ज की हेल्प से एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ 1 की जगह कोई और नंबर होता तो पहले मैं एंगल में मल्टीप्लाई में लेके आऊंगा उसको, ठीक है। जब एंगल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ क्या रखना है, बस 1/6 या 1 बाय जो भी है वो रखना है। अब देखो कोस पाई को मैं लिखूंगा क्या, कोस पाई को लिखूंगा जैसे अभी बता रहा मैं, cos 2n π + π। ये ऐसे सोचो ये कोस थीटा है, अभी मैंने कोस थीटा को क्या लिखा था? कोस थीटा को लिखा था cos 2n π + θ। अभी करवाया, अभी बताया आपको, पीछे देखो आप, ये रिजल्ट रहा, ये रिजल्ट बताया मैंने दो आपको, ये रहे। लेफ्ट ही राइट के इक्वल नहीं होती, राइट भी लेफ्ट के इक्वल होती है, आई बात सुन। तो कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 2n π + θ, साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं sin 2n π + θ। तो वही लिखेंगे हम इसमें, वही लिख रहे हैं यार। तो जो कोस पाई है उसको मैंने cos 2n π + π लिख दिया, सेम वे में दूसरे को भी ऐसे लिखते हैं, एंगल तो सेम ही बनते चलेंगे, दोनों में डिफरेंट नहीं बनेंगे,
पावर क्या है, 1/6 है। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जो ये माइनस वन है इसके 6 वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 6 रूट निकाल रहा हूं। तो माइनस वन को मैंने ये डिमोर की हेल्प से ही ये वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला या रिजल्ट बनाया गया, जो अभी बताया जा रहा है कि माइनस वन को आपने ऐसे कोस साइन की फॉर्म में लिखा, कोस पाई को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई को इस टाइप से लिख सकते हैं बाय दिस रिजल्ट जो अभी बताए। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ डिमोर्स थ्योरम की हेल्प लेंगे, बाय अप्लाइंग डिमोर्स थ्योरम, करो डिमोर्स थ्योरम को अप्लाई। बुक है जिसके पास, एक आप एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल जो अभी बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड है और बाकी लगभग क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दी मतलब फास्टली करोगे तो ये इसमें मिस्टेक्स भी हो सकते हैं छोटे छोटे, बाद में वो समस्या पैदा करेंगे। अब ये बताओ क्या आएगा इसके बाद, डिमोर्स की हेल्प से क्या आएगा, वो जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई कौन होगी, 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई होगा तो इसका मीनिंग है कि वो डिवाइड में चला जाएगा 6 इसके, 2nπ + π/6। ये जो n होता है, ये n जो इंटीजर लिखते हैं, हालांकि वैल्यू तो आपको पता है इंटीजर तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन जब इनमें वैल्यू निकालूंगा ना तो वैल्यू आपने ऐसे शुरू करनी है 0 से लेकर के 5 तक, टोटल ये काउंट करो 6 ही आएंगी, ठीक है। इस मतलब ये जो वैल्यू ली है, कभी सोचो सर ये आपने इंटीजर बता था, बिल्कुल बता था इंटीजर, लेकिन अब मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूँ वो वैल्यू आपको यहीं से ही मिल जाएंगी, और वैल्यू मतलब पुट नहीं करने की जरूरत, ये एन यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा। स्टार्ट करो 0, 1, 2, 3 कंटिन्यू, कहाँ तक लेके जाना है, ये जो 6 था ना यहाँ, इसको देखा करो, ये 6 है तो इससे कम 5 तक, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे पहले ही हमारे पास वो सभी वैल्यूज आ जाएंगे जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब कुछ नहीं करना, आपने ये वैल्यू पुट करनी है, इसका नाम 1 दे दिया मैंने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, n को पहले 0 पुट करेंगे इसमें, फिर n को 1 पुट करेंगे, फिर n को 2, n को 3, n को 4, ऐसे पुट करो और ये टोटल 6 की 6 वैल्यू निकालो। तो लिखना है आपने इसमें, पुट n इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन 1 में n को 0 पुट करो, क्या मिलेगा n को 0 पुट करने से, cos pi / 6 + iota sin pi / 6 मिल जाएगा। इसको एज इट इज रख सकते हैं, बाकी इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सेम वे में पुट n इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन 1, आप बताओ n को 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एंगल, देखो यहाँ पे 1 पुट किया तो 2π + π यानी कि 3π, और 3π के डिवाइड में 6 है तो इसका मीनिंग ये आ गया π/2, तो ये आ जाएगा cos π/2 + iota sin π/2। सेम वे में नेक्स्ट स्टेप, n को 2 पुट करो, n को 2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन 1 में तो आपको नेक्स्ट थर्ड वैल्यू मिलेगी, क्या बोलो, n 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने से ये 4 बन गया, 4 + 1 = 5, यानी कि cos pi / 6 5π/6 + iota sin 5π/6, ठीक है। n को फिर 3 पुट करो, ऐसे ही आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, n को 4 पुट करो, 5 पुट करो, बस। अब ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया हुआ, हाँ। अगर मैं n की वैल्यू 5 से आगे रखूं तो ये रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, उसका और बता दूं मैं, इन्हीं में से जो ये 6 वैल्यू है ना, इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगी, कोई नई वैल्यू नहीं आएंगी। तो टोटल जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो यही वैल्यू है जो आपने ये 6 वैल्यू निकाली, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर गए। इससे आगे अगर n की वैल्यू रखेंगे तो इन्हीं में से वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, मीन्स डिफरेंट और रूट नहीं मिलेंगे, वही आएंगे जो इनमें से हैं। अब एक बात और बता रहा था कि सर ये 0 से शुरू कर दिया, 1 - 1 वगैरह करते तो इनमें से फिर वही बात है, फिर इन्हीं में से रिपीट होती, तो जो डिफरेंट वैल्यू मिलती है वो आपको इनसे ही वैल्यू मिल जाएंगी सारी, टोटल 6 की 6 वैल्यू, समझ गए होंगे। बाकी आपने कुछ नहीं करना था, n को 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट करके ये 6 वैल्यू निकाल के दिखानी थी, उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक इससे रिलेटेड फिर मैं इसी का एक आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट तो करवाया, सेकंड नहीं करवा रहा, सेकंड और थर्ड एक ही टाइप के हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी
रूट निकालना है, चाहे वो क्यूब रूट निकालना हो, चाहे वो फिफ्थ रूट निकालना हो, वो अगर कोई नंबर दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो हम उसको एक्स या वाई या टी या जेड वगैरह अज्यूम कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आपने क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, इसका मीनिंग है क्यूब रूट। क्यूब रूट बोल दो इसको, चाहे थर्ड रूट बोल दो, थर्ड रूट बात एक ही है, क्यूब रूट या थर्ड रूट। ठीक, किसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, किस नंबर का निकाल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का। किस कॉम्प्लेक्स नंबर का? वो है रूट थ्री प्लस आइटा, अंदर कौन है? देखो इस नंबर का क्या निकाल रहे हैं हम? क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो इससे पहले क्या करेंगे हम, इस रूट थ्री प्लस आइटा को वही उस फॉर्म में ले आओ जो पीछे हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था, कि रूट थ्री प्लस आइटा को हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो या पोलर फॉर्म बोलो उस फॉर्म में ले आएंगे। क्या करते थे इसको आप? ऐसे तो करेंगे कि इसको हम आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा के इक्वल अज्यूम करो। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट आर कोस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन। स्केयरिंग एंड एडिंग, वी गेट आर इक्वल टू टू। फिर आर को टू पुट करेंगे इन दोनों में, तो यहाँ से आपको जैसे आर को टू यहाँ पुट कर दो तो साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। आर को टू इसमें पुट कर दो, कोस थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई टू आ जाएगी। थीटा यहाँ से कंफर्म हो पाएगा कि इन दोनों में से वो थीटा क्या होगा। साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू, कोस थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई टू। ऐसा कौन सा एंगल है जो साइन में रखने से तो वैल्यू वन बाई टू देता है पॉजिटिव साइन के साथ, और कोस में रखने से वैल्यू देता है रूट थ्री बाई टू पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव साइन है। तो वो थीटा आपका क्या रहेगा? वो थीटा रहेगा पाई बाय सिक्स। तो ये वैल्यू तो हम लास्ट में जाके पुट करेंगे, सबसे लास्ट में, इन लास्ट स्टेप्स। और वो लास्ट स्टेप क्या होंगे जो हमारा टारगेट था, कौन से में? जब ये रूट निकाल रहे थे, क्यूब रूट जब निकाल रहे थे, जब तीन रूट आपके पास आ जाएंगे ना, तीन रूट पता है किस फॉर्म में आएंगे? आर और थीटा की फॉर्म में मिलेंगे। तो लास्ट में जाके आर और थीटा पुट करना है, बाकी आप देख भी सकते हैं अभी जो मैं बता रहा हूं। देखो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आप क्या करो, जो ये आपने अज्यूम किया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने कोस और साइन के फॉर्म में ये रखा है, इसको आप पुट अप कर दो वहां कहां, इसमें। नाउ एक्स बिकम्स आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा रेज टू पावर क्या, वन बाय थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे, आर कॉमन है अंदर से, आर कॉमन लो, ऐसे ही करने लगभग क्वेश्चन ये, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। यहां तक बिल्कुल स्टेप बिल्कुल क्लियर होंगे। उसके बाद सुनो, पीछे भी हमने किया था, उसके बाद ये करना होता है, इस कोस के अंदर एंगल ऐड करना होता है कुछ, वो होता है टू एन पाई। अगर यहाँ एन नहीं है तो, अगर कहीं एन आ गया तो इस एन का नाम बदल के हम पी या आर रख दिए तो ये बनेगा टू एन पाई प्लस थीटा। किस रिजल्ट से लिखा है ये? क्योंकि कोस ऑफ दिस या साइन ऑफ ये सेम रहते हैं। अब यहाँ पे डिमोर्स अप्लाई करो, डिमोर्स फॉर्म को अप्लाई करो, डिमोर्स फॉर्म अप्लाई करो, वन बाय थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन बाय थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, ठीक है। देखो वन बाय थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें हम, वन बाय थ्री को मल्टीप्लाई करना था। देखो x की जो वैल्यू आई r रेज टू पावर 1 बाई थ्री है, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा था, डिवाइड में क्या आ जाएगा अब 3। ठीक ऐसे ही दूसरा एंगल आइटा साइन ऑफ, ये आपने आज कंप्लीट करने की कोशिश करनी है इनको। हाँ थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको इंट तो मैंने यही दे दिया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग की यही रहे, इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। आगे तो यूं पूछेगा भाई, जितने आपने रूट निकाले उनका प्रोडक्ट करो,
जितने आपने रूट निकाले उनका सम करो, और जितने आपने रूट निकाले उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीपी की फॉर्म में है, या ऐड करेंगे तो वो एफपी की फॉर्म में है, कुछ इस टाइप से रिलेशन बनेगा। फिर उनका सम निकालो, आपको पता है अगर एफपी में है एन टर्म का सम क्या आता है, अगर वो जीपी में है तो एन टर्म का सम क्या आता है, पता होगा ना ये दो, जीपी की एन टर्म का सम ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, एन टर्म का सम इफ आर इज लेस देन वन, कॉमन रेशियो अगर एक से छोटा है, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कब, जब आर कॉमन रेशियो एक से बड़ा है, ये स्टेप तो वो है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। बाकी इसमें एग्जांपल एक बार स्टार्टिंग में जरूर करेंगे, है तो दो तीन एग्जांपल, लेकिन वो कंप्लीट आपको इसको सोल्व करवा देंगे एक्सरसाइज को। चलो अब यहाँ था, अब आप बताओ इसमें एन की वैल्यू क्या क्या पुट करें, या फिर आप यहाँ आगे लिख दें पहले वेयर एन गोज फ्रॉम जीरो वन एंड टू, तो पहले एन को जीरो पुट करें क्योंकि वन बाई थ्री था ना, क्यूब रूट था, तीन रूट थे, तो एन की वैल्यू आप रखेंगे जीरो वन और टू, पहले एन को जीरो रखो, इसमें एक वैल्यू मिलेगी, देखो एन को ही जीरो रखना है और कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, तो ये आपके पास आएगा cos थीटा बाय टू प्लस आइटा साइन थीटा बाय सॉरी थ्री। फिर हम n को 1 पुट करेंगे इसी में, तो n को 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट वैल्यू, r रेज टू पावर 1 बाय थ्री, n को 1 पुट करने से मिलेगा cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाय थ्री प्लस सेकंड साइन में भी सेम यही एंगल, एंगल तो ये चेंज होंगे ही नहीं, दोनों के सेम ही चलेंगे, ठीक है। एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट ये है, या वैल्यू जो भी पूछ रहा था, वैल्यू या रूट एक ही बात है। फिर हम एन को पुट कर रहे हैं इसमें टू, तो एन को टू पुट करेंगे तो इसकी थर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो ये आएगी कोस ऑफ, देखो एन को टू पुट करने से टू इंटू टू ये फोर हो गया, तो ये फोर पाई प्लस थीटा बाई थ्री। सेम वे में प्लस आयटा साइन फोर पाई प्लस थीटा बाई थ्री, ईजी है। अब ये मैंने बताया था जितनी आपकी वैल्यू आ जाएंगी आर और थीटा के फॉर्म में, अब लास्ट में जाके पुट करना है। आर को कितना पुट करना है मैं पीछे दिखाऊं, आर को पुट करना है आपने टू और थीटा को पुट करना है पाई बाय सिक्स, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये टोटल आपके पास वैल्यू आ जाएंगी इसकी, ठीक है, ये टोटल तीनों वैल्यू आ जाएंगी। ये था एक, और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वो बता भी दूंगा। एक जैसे इसमें आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ वो थोड़ा एंड बता देता हूं, आप नोट कर लेना। फोर्थ ये है, कहता है कि ये नंबर है वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ये फाइंड आउट करना है। इसमें एक ट्रिक और यहां पे यूज होगी, इसको हम क्या ज्यूम करेंगे, एक्स मान लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू दिस। एक्चुअल में ये पूछ यही रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपने फोर्थ रूट निकालने हैं, चार रूट निकालने हैं, जो डिवाइड में है उतने ही आएंगे एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई आपने करना होगा। जो ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस थ्री है, इसका मीनिंग होता है माइनस वन का रूट और थ्री का, आपने ये पहले पढ़ लिए हैं, आपको पता भी है। तो हम क्या लिखते हैं, माइनस वन के स्क्वायर रूट को लिखते हैं आइटा, तो ये ऐसे बन गया। अब क्या करो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम उस फॉर्म में बना लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, वन प्लस आइटा रूट थ्री को आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, जैसे अभी बताया था। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, वन इक्वल टू आर कोस थीटा आएगा और रूट थ्री इक्वल टू आर साइन थीटा आएगा। स्केयरिंग एंड एडिंग करके आर और थीटा आप निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है, निकल जाएंगे आर और थीटा। अब क्या किया, वापस यहाँ रख दिया उसको इक्वेशन वन में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ए प्लस आईटा बी की फॉर्म में था, लेकिन आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाना किस फॉर्म में है, आर कोस थीटा प्लस आईटा आर साइन थीटा की फॉर्म में, जो पुट किया आपने अभी या जो अज्यूम किया है यहाँ ये वाला। तो हम क्या करेंगे, वन प्लस आइटा रूट थ्री की जगह आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा रखेंगे, अभी कर रहे थे वैसे ही, होल पावर थ्री बाय फोर है, आर कॉमन ले लो
अभी किया था, 15 बजे का cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रेज टू पावर 3/4। अब सुनो, अभी जो बताया था आपको, ये 3 है यहाँ, इस 3 को हटाएंगे पहले, इस 3 को पहले अंदर ले आओ बाय डिमोर, सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना ऊपर से, तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ 3 थीटा रेज टू पावर 1/4। ठीक है, अब इसके ऊपर वो रिजल्ट अप्लाई करो। अब वो पीछे वाला इक्वेशन स्टार्ट हो गया, cos ऑफ थीटा को क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2n पाई प्लस 3 थीटा, इसको भी ऐसे ही साइन 2n पाई प्लस 3 थीटा, होल पावर कितनी है 1/4। पहले ये 3 को अंदर लेके आना है, ध्यान से सुन लो, फिर 3 को पहले अंदर लेके आएंगे, फिर इसके अंदर ऑपरेट करेंगे ये आइडेंटिटी कि cos 2n पाई प्लस जो भी है वो cos ही रहेगा, साइन 2n पाई प्लस है वो साइन रहेगा। अब फिर दोबारा इस पर डिमोडल लगाओ, तो ये जो 1/4 है ये यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई, इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 4। अब इसमें n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, n 0 1 2 और 3 तक, क्योंकि इसका फोर्थ रूट निकालना था, तो इसलिए हमने 4 वैल्यू रखनी है, वो 0 से शुरू होती है। तो हम बारी बारी सर इसमें स्टेप बाय स्टेप बता दिया, बस आगे कुछ भी नहीं। अब n को 0 रखो, n को 1 2 3 रख के ये 4 वैल्यू निकाल ली, फिर लास्ट में जाके r और थीटा पुट कर दो, जो हमने r थीटा निकालते हैं, ऐसे ही करने हैं सभी क्वेश्चन भी। तो कोई डाउट है तो मैसेज कर दो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी का अगर डाउट है किसी बच्चे का। कई बच्चे बीच बीच में बार बार कनेक्ट होते हैं, कई बार कई कहते हैं कि सर अटेंडेंस लगाओ। ये प्रियंका कौन है भाई, प्रियंका?